हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सहयोग के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं। 12th क्लास एजी केमिस्ट्री, और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और एक नए अध्याय के बारे में आज, और उस नए अध्याय का नाम है लेसन 4th आयन विनिमय। आयन विनिमय के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर बहुत विस्तार से करने वाले हैं। ज्यादा कोई बड़ा अध्याय नहीं है, छोटा अध्याय है, तो इसको अपन धीरे धीरे समझते हुए बहुत अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से आप लोग आयन विनिमय के बारे में विस्तार से पढ़ने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ आप लोगों से आयन विनिमय होता क्या है। तो देखो, किसी एक आयन द्वारा दूसरे आयन का विस्थापन करना, यानी एक आयन को हटाकर उसी जगह पर दूसरे आयन का आ जाना आयन विनिमय कहलाता है। कोई भी दो आयन यदि एक दूसरे का स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, एक की जगह पर दूसरा चला जाएगा, दूसरे की जगह पर पहला आ जाएगा, तो इस प्रकार से आयनों का जो विस्थापन होता है, आयनों का जो स्थानांतरण होता है, इसी को अपन आयन विनिमय कहते हैं। ठीक है ना, तो एक एक चीज को बहुत विस्तार से अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए आप लोग, साथ के साथ नोट भी आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो देखो, आयन विनिमय के बारे में परिभाषा आती है कि वह प्रक्रम जिसमें आयनों का विस्थापन होता है, वह प्रक्रम जिसमें आयनों का विस्थापन होता है, आयनों का विस्थापन होता है, आयन विनिमय कहलाता है। आयन विनिमय कहलाता है। ठीक है, यानी जहां पर आयनों का विस्थापन होगा, आयन एक के स्थान पर दूसरा, दूसरे के स्थान पर पहला आयन आ जाएगा, तो इस प्रकार के विनिमय को अपन क्या बोलते हैं, आयन विनिमय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और थोड़ी सी विस्तृत परिभाषा की अपन बात करें, तो यहां पर अथवा लगाकर एक और परिभाषा मैं यहां पर दे सकता हूं, और वो क्या होता है, वो होता है कि विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश के मध्य सजातीय आवेश के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण, सजातीय आवेश वाले आयनों का परस्पर अधिशोषण की बात करेंगे अपन यहां पर, परस्पर अधिशोषण, आयनों का परस्पर अधिशोषण आयन विनिमय कहलाता है। आयन विनिमय कहलाता है। ठीक है, अब देखो इस लाइन का मतलब मैं समझा दूं आप लोगों को। विनिमयशील प्रावस्थाएं का मतलब ऐसी प्रावस्थाएं जो विनिमय कर सके, विनिमय मतलब आदान प्रदान कर सके, उन विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश मतलब या तो धन धन का विनिमय करेगा और ऋण ऋण का विनिमय करेगा, यानी सजातीय आवेश होना चाहिए। तो देखो, विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का परस्पर अधिशोषण, यानी कि सजातीय आवेश वाले आयन जो होंगे वो अधिशोषित होंगे, धन धन की जगह पर अधिशोषित होगा, ऋण ऋण की जगह पर अधिशोषित होगा, तो इस प्रकार के विनिमय को अपन क्या बोलते हैं, आयन विनिमय कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसके बारे में बात करूं तो आयन विनिमय निम्न दो प्रकार का होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपने पास आयन ही दो प्रकार के हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धनायन व ऋणायन। तो विनिमय भी कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का हो जाएगा, धनायन विनिमय व ऋणायन विनिमय। तो आयन विनिमय निम्न दो प्रकार का होता है, कि
कितने प्रकार का होता है? बिल्कुल दो प्रकार का ये होता है। कौन कौन सा होता है? तो भाई पहला तो हो जाएगा धनायन विनिमय, क्योंकि धनायनों का विनिमय होगा तो उसे धनायन विनिमय कह देंगे अपन, ठीक है। और एक हो जाता है ऋणायन विनिमय, ठीक है। तो यहां पर दो प्रकार का विनिमय हो जाएगा, धनायन विनिमय और सेकंड है ऋणायन विनिमय, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझ में आनी चाहिए। भाई क्या समझ में आनी चाहिए अपन को? कि आयन दो प्रकार के होते हैं और सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेश वाले आयनों के मध्य ही विनिमय होता है, इसीलिए आयन विनिमय दो प्रकार का हो जाएगा। यदि धन धन का विनिमय करता है तो उसे धनायन विनिमय कहेंगे, ऋण ऋण का विनिमय करता है तो उसे ऋणायन विनिमय कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इनके बारे में, इन दोनों के बारे में ही बहुत विस्तार से अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस अध्याय के अंदर। तो ध्यान से आप लोग एक एक को देखने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर धनायन विनिमय के बारे में। धनायन विनिमय के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात यहाँ पर शुरू करता हूं। तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए कि धनायन विनिमय जो होती है यह पूर्ण रूप से एक पृष्ठ क्रिया होती है, जो मृदा क्ले क्रिस्टल ह्यूमस के कणों एवं किसी अन्य पृष्ठ पर शीघ्रता से होती है। तो ध्यान रखें, इसके बारे में एक सामान्य सी बात मैं बता दूं कि यह एक पूर्ण रूप से पृष्ठीय क्रिया होती है, जो पूर्ण रूप से पृष्ठीय क्रिया होती है जो मृदा क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों के पृष्ठों या किसी अन्य पृष्ठ पर शीघ्रता से होती है, शीघ्रता से होती है, ठीक है। आगे बात करें तो इस क्रिया में पदार्थों के अणु समान संख्या में भाग लेते हैं। पहले अपन इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। इस क्रिया में पदार्थ के अणु समान संख्या में भाग लेते हैं। क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कण के पृष्ठों पर ऋणावेश होने के कारण क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों पर ऋणावेश होने के कारण क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों पर ऋणावेश होने के कारण इनकी ओर धनायन आकर्षित होते हैं
धनायन आकर्षित होते हैं, इसलिए धनायन विनिमय इन दोनों पृष्ठों पर होता है। इसलिए धनायन विनिमय इन दोनों पृष्ठों पर इन दोनों पृष्ठों पर होता है। ठीक है, धनायन विनिमय इन दोनों पृष्ठों पर होता है। अब सुनो भाई ध्यान से, क्या बोला मैंने आप लोगों से कि धनायन विनिमय जो होता है ये पूर्ण रूप से एक पृष्ठीय क्रिया होती है। पृष्ठीय मतलब पृष्ठ पर होती है, सतह पर होती है। ठीक है, जो मृदा क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों के पृष्ठों पर, यानी कि मृदा के अंदर क्ले होता है, मृतिका होता है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मृदा कोलाइड के अंदर। तो मृतिका क्ले और ह्यूमस कण इनकी सतह पर, इनके पृष्ठ पर ये होती है, या कोई अन्य पृष्ठ भी यहां पर हो सकता है। इस क्रिया में पदार्थ के अणु समान संख्या में भाग लेते हैं और क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों पर ऋणावेश होने के कारण, देखो क्या होता है, ये जो विनिमय है ना ये होता क्यों है वास्तव में, इसका कारण है क्योंकि क्ले क्रिस्टल पर ह्यूमस पर ऋणावेश होता है और ऋणावेश होने के कारण वो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, धनायनों को अपनी ओर क्या करता है, वो आकर्षित करता है। और इसी कारण यहां पर धनायन विनिमय जो होता है ये क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस के कणों के पृष्ठों पर होता है। ठीक है ना, तो ये बात अपन ने यहां पर कर ली है, आशा करता हूं आपको यहां तक की बात तो समझ आई होगी। अब आगे अपन बढ़ते हैं, तो देखो भाई अपन ने यहां तक बात कर ली है कि ये जो धनायन का विनिमय हो रहा है ये पृष्ठों पर हो रहा है। अब बात आती है कि सर अपन ने ये तो बात कर ली है कि धनायन का विनिमय क्ले क्रिस्टल पर होगा या और भी पृष्ठ हो सकते हैं, इन पर धनायनों का विनिमय होगा, तो ये कौन कौन से पृष्ठ का विनिमय, किस प्रकार से धनायनों का विनिमय कौन कौन से पृष्ठों पर होगा, तो वो चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि धनायन का विनिमय मृदा में निम्न के बीच होता है, किन किन पृष्ठों के बीच होता है वो चीज अपन आपको बता देते हैं। तो देखो धनायन का विनिमय मृदा में निम्न के मध्य होता है। अब किन के मध्य होता है इसके बारे में चर्चा करें, तो देखो पहला तो होता है भाई पौधों की जड़ों द्वारा स्वतंत्र हुए धनायनों, पौधों की जड़ों द्वारा स्वतंत्र हुए धनायनों तथा स्वतंत्र हुए धनायनों तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों के, क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों के, ह्यूमस कणों के सतह पर उपस्थित धनायनों में, सतह पर उपस्थित धनायनों में। ठीक है, पहला तो यहां पर होगा विनिमय, दूसरा कहां पर होता है, तो भाई दूसरा होता है मृदा विलयन में उपस्थित धनायनों, मृदा विलयन में उपस्थित धनायनों तथा तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कण की सतह पर उपस्थित धनायनों में, क्ले क्रिस्टल और
ह्यूमस कणों की सतह पर उपस्थित धनायनों में तीसरा होता है दो क्ले क्रिस्टलों दो ह्यूमस कणों तथा एक क्ले क्रिस्टल और एक ह्यूमस कण की सतह पर उपस्थित धनायनों में ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक सिंपल सी बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि धनायन का विनिमय, मैंने आपको बताया है कि धनायन का विनिमय एक पृष्ठीय प्रक्रिया है जो पृष्ठ पर होगी। कौन से पृष्ठ पर होगी सर? तो ये क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों के पृष्ठों पर होती है, ठीक है। इसमें समान संख्या में कण भाग लेते हैं पदार्थ के, और क्ले क्रिस्टल व ह्यूमस कणों के ऊपर ऋणावेश होता है, इसीलिए ये धनायन का विनिमय करते हैं, धनायन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब धनायन का विनिमय मृदा के अंदर वास्तव में किन किन के बीच होगा, तो वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है कि इन तीनों के बीच धनायन का विनिमय हो सकता है। अब इस चीज को समझने के लिए अपन यहां पर एक छोटा सा चित्र बनाकर इसको अपन देखेंगे। वैसे आप लोगों को ये चित्र बनाना नहीं है, मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए इस चित्र को यहां पर बता देता हूं, तो ध्यान से आप लोग इस चीज को देखने का प्रयास करें। देखो, अपने पास है ये पौधा, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास क्या है, पौधा है जिसकी बहुत सारी जड़ें यहां से निकल रही है, इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर है बहुत सारे मृदा कण, क्या है यहां पर, बहुत सारे मृदा कण हैं। अब कुछ मृदा कण हैं, मृदा क्ले क्रिस्टल हैं, और कुछ यहां पर ह्यूमस के कण भी हैं, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, दोनों को मैं अलग अलग तरीके से यहां पर बना देता हूं। ये लो, मैंने दोनों को अलग अलग बना दिया भाई, बना दिया। अब देखो, यहां पर मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला है ना, ये तो है क्ले क्रिस्टल, क्या है ये, क्ले का क्रिस्टल है, और ये जो छोटा वाला है ना काला काला, ये है अपना ह्यूमस का कण। अब देखो, ये तो आप लोग समझ ही गए, ये पादप की जड़ें हैं, ठीक है ना। अब सुनो, अब मैं आपको समझाता हूं कि धनायन का विनिमय वास्तव में किन किन के बीच में होगा, तो इसको ध्यान से समझना। पहला बिंदु मैंने आपको बताया है कि पौधों की जड़ों द्वारा स्वतंत्र हुए धनायनों, यानी कि जो पौधे की जड़ें होती है ना, ये पौधे की जड़ें क्या करेगी, धनायनों को स्वतंत्र करेगी। तो एक तो इस पौधे की जड़, और इसके सामने कौन होगा, तो उस वही इसके सामने जो है ना, इसके सामने क्ले क्रिस्टल भी हो सकता है और ह्यूमस का कण भी हो सकता है। तो देखो भाई, इस जड़ के द्वारा मुक्त हुए धनायनों और इस क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस के कणों के पृष्ठ के बीच विनिमय होगा, किसका, आयनों का। बात समझ आई, इस जड़ के द्वारा मुक्त हुए धनायनों और ये जो आपका क्ले क्रिस्टल है, ये जो आपका ह्यूमस का कण है, इसके पृष्ठों के बीच क्या होगा, आपके धनायनों का विनिमय होगा। एक तो ये वाली बात समझ में आएगी, पहली वाली।
दूसरी बात क्या होती है, तो देखो ये जो कण है ना, ह्यूमस के कण, क्ले क्रिस्टल है, मृदा है, तो मृदा के कणों के बीच में कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा है आपको। इस खाली स्थान में क्या होता है, इसमें ना जल वायु, इसका खनिज लवणों, इनका मिश्रण भरा होता है। उस जल वायु खनिज लवणों का जो मिश्रण होता है ना, इस मिश्रण को अपन बोलते हैं क्या, इस मिश्रण को बोलते हैं अपन मृदा विलयन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मृदा विलयन बोलते हैं। तो देखो भाई, मृदा विलयन में भी क्या होते हैं, मृदा विलयन में भी धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन। तो ये मृदा विलयन के धनायन तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस के कणों के बीच इसमें भी विनिमय हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो देखो भाई, ये एक ह्यूमस का कण और ये दूसरा ह्यूमस का कण, इन दोनों के बीच भी क्या हो सकता है, विनिमय हो सकता है। वैसे ही ये एक क्ले क्रिस्टल, ये एक क्रिस्टल, क्ले क्रिस्टल, दोनों के बीच भी विनिमय हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्ले क्रिस्टल हो और एक ह्यूमस कण हो, इसके बीच भी विनिमय हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धनायन का विनिमय कहां कहां पर किस प्रकार से हो सकता है। ध्यान रखेंगे, एक तो पौधों की जड़ों द्वारा स्वतंत्र हुए धनायनों तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस के कणों की सतहों के पर उपस्थित धनायनों के मध्य हो सकता है। मृदा विलयन में उपस्थित धनायनों तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस के कणों की सतह पर उपस्थित धनायनों में विनिमय हो सकता है। दो क्ले क्रिस्टलों, दो ह्यूमस कणों, एक क्ले क्रिस्टल और एक ह्यूमस कण की सतह पर उपस्थित धनायनों में विनिमय हो सकता है। तो उसको अपन इस चित्र से समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको जो है, आपको बनाना नहीं है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस प्रकार आप लोगों को इसको समझना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, मैंने आप लोगों को एक सामान्य सी जानकारी आज आयन विनिमय के बारे में दी है। आयन विनिमय मुख्यतः दो प्रकार का होता है, धनायनों का विनिमय यानी धनायन विनिमय, ऋणायनों का विनिमय यानी ऋणायन विनिमय। इसमें धनायन विनिमय को अपन ने स्टार्ट किया है। एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि धनायनों का विनिमय जो होगा, यानी एक धनायन की जगह पर दूसरा धनायन आ जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्ले क्रिस्टलों के ऊपर, ह्यूमस कणों के ऊपर ऋणावेश होता है और वो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किस प्रकार से, किन किन के मध्य विनिमय होगा, तो ये तीन बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं धनायन विनिमय से संबंधित, उनको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।